नमस्कार पेरेंट्स, डिवाइन लाइफ इंटरनेशनल स्कूल में आप सबका ये वर्चुअल पीटीएम में बहुत बहुत स्वागत है। कई दफा आपसे बातचीत हुई है, बट कोरोना महामारी के चलते हुए आज की हमारी ये जो पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, जो मैनेजमेंट के साइड से हम आपको जो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वर्चुअली डिस्कस करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे बच्चों के लिए, आपके और हमारे लिए कोलैबोरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सारे पॉइंट्स आपसे आज थोड़े थोड़े करके डिस्कस करने थे। सबसे पहले तो ये कोरोना महामारी के चलते हुए हमारा जो पूरा का पूरा फिजिकल स्कूल है वो हमारे टीचर्स ने चौक और ब्लैक बोर्ड के मेथड से पूरा का पूरा वर्चुअली ट्रांसफर करके, मोबाइल्स और स्क्रीन में ट्रांसफर करके आप तक पहुंचाने का काम किया है, जो बहुत ही सराहनीय है। और आप तक जो सारे के सारे वीडियोस पहुंचा रहे हैं वो काफी मेहनत करके पहुंचा रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो वर्चुअल स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आप लोगों का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों का खूब अच्छा सपोर्ट रहा है। काफी पेरेंट्स के हमारे पे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं, और हमारे टीचर्स के जो एफर्ट्स है वो वर्थ है, बिकॉज आप लोगों का, पेरेंट्स का खूब सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत सबसे पहले तो धन्यवाद। ये जो पीटीएम हमने ऑर्गेनाइज की है उसके अंदर थोड़े पॉइंट्स डिस्कस करने थे, उसके बारे में थोड़ी हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो कोरोना के पहले सिचुएशन ऐसा था कि बच्चे हमारे पास, हमारे टीचर्स के पास 4 से 5 घंटा आते थे और वो नॉलेज गेन करते थे। तो टीचर्स का रोल क्या था, एक तो एज अ टीचर और एक एज अ मदर या फिर एज अ पेरेंट था। तो अब आपका कोरोना के बाद रोल थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा कि पेरेंट्स का रोल एज अ पेरेंट तो होगा बट एज वेल एज अ टीचर भी होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग यहां से जितना भी वर्चुअल जो हमारा प्रीमियम कॉन्टेंट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो बच्चे तक किस तरह से पहुंचे उसकी जवाबदारी आप लोगों को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को लेके एक इनिशिएटिव लेना होगा, जिसके कारण हम यहां से जो बच्चों का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, तो तीनों तीन एस्पेक्ट्स के जो हम वीडियोस बना के आप तक पहुंचाने वाले हैं, वो सारे के सारे जो आप तक पहुंचाएंगे वो आपको बच्चों तक पहुंचाना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट अभी से आप लोगों को लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। और काफी पेरेंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से ये वीडियोस के मेथड में, एक्टिविटीज के मेथड में हमारे साथ जुड़े हैं। उसके अलावा अभी आने वाले जो टाइम में हम लोग जो सेलिब्रेशंस है या फिर जो डेज का सेलिब्रेशन है, एक्टिविटीज का सेलिब्रेशन है, वो सारा का सारा वर्चुअली क्रिएट करके आप तक पहुंचाएंगे, ताकि जो बच्चों के अंदर शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास हम लोग जो करना चाहते हैं यहां से, वो बच्चों के अंदर डेवलपमेंट में कोई भी खामी ना रहे और जो फिजिकल और वर्चुअल के बीच का गैप है वो कम से कम हो सके और डेवलपमेंट उतना का उतना ही रहे या फिर और ज्यादा इफेक्टिव हो पाए, उसका हम यहां से प्रयास कर रहे हैं। काफी पेरेंट्स की मांग आई है कि फीस के अंदर उनको भरने में बहुत दिक्कत हो रही है। हमने कई पेरेंट्स से बातचीत की और उसके बाद डिवाइन लाइफ इंटरनेशनल स्कूल ने प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए एक पॉजिटिव डिसीजन लिया है, जिसके कारण हमने ये आज पीटीएम रखी है जिसकी बातचीत आपसे करनी है। तो फीस के अंदर जो ये नए साल की फीस है उसके अंदर हम हमारी तरफ से डिडक्शन करके आप लोगों को देंगे। तो जिस पेरेंट्स को भी फीस के अंदर भरने में दिक्कतें आ रही है वो हमारे पास आए और प्री प्राइमरी सेक्शन की जो नर्सरी, जूनियर, सीनियर की आपके बच्चों की फीस है वो आप हमसे बोले कि बस आपको यही बोलना है कि हमको दिक्कत है, आपसे कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा और हम हमारी साइड से जितनी भी पॉसिबल है उतनी आपको फीस रिड्यूस करके देने वाले हैं। कितनी फीस रिड्यूस हो रही है वो आपको स्कूल में पर्सनली आपके आप बातचीत करके आप वो जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज जो प्रीवियस ईयर की फीस पेंडिंग है काफी पेरेंट्स ने भर दी है, बट जो कुछ चुनिंदा पेरेंट्स बाकी है उनको हमने टाइम दिया है। तो आपको 10 अगस्त तक जो पुरानी फीस है वो मार्च तक की जो आपकी पेंडिंग फीस है वो आपको 10 अगस्त तक भरनी है, राइट।
और जो ये नए साल की फीस है उसमें जून जुलाई अगस्त की फीस अभी आपको हम मांग नहीं रहे हैं, अभी आपको करंटली नहीं भरनी है। हम भी आपकी कंडीशन आपकी सिचुएशन समझ सकते हैं कि कोरोना महामारी के चलते हुए जॉब्स के अंदर बिजनेसेस के अंदर कट ऑफ आए हैं, सैलरीज के अंदर भी रिडक्शन आए हैं, इसलिए नए साल की आपको कोई फीस नहीं भरनी है। सिर्फ टोकन अमाउंट देके री रजिस्टर करना है ताकि हमारी बैकएंड ऑफिस में से आपके जो नए क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन है अलॉटमेंट है वो पूरा का पूरा स्मूथली जा सके। आप लोगों को हम ऑनलाइन ई आई कार्ड भी देंगे जिसके कारण आपको बच्चों को रोल नंबर्स मिल जाएंगे और स्कूल के अंदर दाखिला हो जाएगा ताकि ये जो पूरा साल है वो हम लोग स्मूथली रनअप कर पाए। तो आपको जो मार्च तक की फीस है वो भरनी है पेंडिंग हो तो, और नए साल की एक टोकन अमाउंट री रजिस्टर करनी है। तो इतना फीस आपको 10th अगस्त तक कंप्लीट करना है, नई फीस आपको भरनी नहीं है। और आपको जो रिडक्शन है फीस के अंदर जो हम स्कूल की ओर से दे रहे हैं वो आपको स्कूल में आके जानकारी प्राप्त करनी है और जितना भी रिडक्शन है उसका फायदा आप लोग ले सकते हो। उसके अलावा हम लोग की जो आगे की स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी सी इस तरह से होगी कि हम लोग यहाँ से हार्ड कॉपी में वर्कशीट्स आपको देंगे और टीचर्स वीडियोस बना के आपको बुक के अंदर बच्चों को किस तरह से एकेडमिक के अंदर सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करना है, आपको बच्चों को बुक्स के अंदर किस तरह से लिखवाना है वो सारी की सारी डिटेल्स हम लोग आपको वीडियो बना के देंगे। उसके अलावा आपको स्कूल में आके हार्ड कॉपी में वर्कशीट्स यहाँ से प्रोवाइड होगी, वो लेके जाना है घर पे बच्चों को करवाना है और फिर अगेन यू विल हैव टू सबमिट इन द स्कूल, आपको फिर से टीचर्स को सबमिट करना है ताकि वो चेक करके आपको वापस दे सके। तो ये सारा का सारा जो डेवलपमेंटल स्किल्स है उसके अंदर हमने जितनी भी स्ट्रेटेजी सोची है उसके अंदर आप लोगों का पेरेंट्स का और हमारे टीचर्स का दोनों का अगर कोलैबोरेशन रहेगा तो हम अच्छे से बच्चों का डेवलपमेंट कर पाएंगे। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।